आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स कौन कौन से केमिकल रिएक्शन देगा, इसको जानने के लिए हमको एक एग्जांपल लेते हैं हम, कि हम ग्लूकोज का एग्जांपल लेकर चलते हैं। ग्लूकोज, तो अगर हम ग्लूकोज का अगर स्ट्रक्चर तैयार करें तो हम लोग को पता है कि इसमें क्या है। ये हमारे पास तैयार है स्ट्रक्चर डी ग्लूकोज का। डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तैयार है, तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, मोनोसेक्राइड के केमिकल रिएक्शंस ग्लूकोज के रिस्पेक्ट में, मतलब एग्जांपल हम ग्लूकोज को लेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पर एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट्स हैं। तो यहाँ पर जो हमारे केमिकल रिएक्शंस होंगे वो ड्यू टू एल्डिहाइड ग्रुप और किसकी वजह से होंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से या फिर अल्कोहल की वजह से रिएक्शंस आएंगे, केमिकल रिएक्शंस, जो अल्कोहल जैसा केमिकल रिएक्शन देता होगा, एल्डिहाइड जैसा केमिकल रिएक्शन देता होगा, उस तरह के रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इन दोनों की वजह से एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, इन दोनों की वजह से कंबाइंड रूप से इन दोनों की वजह से कुछ रिएक्शंस हमको अलग देखने को मिलेंगे और कुछ स्पेशल रिएक्शन होंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 अलग अलग हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, इसलिए इस तरह के हमको केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। तो अब हम देखते हैं कि इनमें कौन कौन से मेन केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि पॉसिबल हैं मोनोसेक्राइड्स में। तो यहाँ पर कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हैं, तो मोनोसेक्राइड्स में हम लोग जो रिएक्शंस देखेंगे वो जनरली कौन से होंगे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन, ओसाजोन फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स एंड टोटो आइसोमेरिज्म। तो आइए इसको एक एक करके हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं ऑक्सीडेशन पर। जैसा हमको पता है कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, रिएक्शन विद अ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हमारे पास दो ग्रुप प्रेजेंट है, एक है हमारे पास जो ग्रुप है वो है एल्डिहाइड ग्रुप और जो दूसरा ग्रुप प्रेजेंट है वो कौन सा है, अल्कोहल ग्रुप। तो जब हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस करवाएंगे तब जो एल्डिहाइड है, जो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, उसकी वजह से जो रिएक्शन होगा वो कौन सा रिएक्शन होगा, ये एक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और इस एसिड का नाम है ग्लूकोनिक एसिड। और जो अल्कोहल ग्रुप है, अगर इस अल्कोहल, जो टर्मिनल अल्कोहल है, मतलब सबसे लास्ट का जो अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, अगर जब वहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा तब कैसा आएगा रिएक्शन, ये भी एक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और अब हम इसे क्या कहेंगे, ग्लूकोरोनिक एसिड, ग्लूकोरोनिक एसिड। तो इस तरीके से जो फॉर्मेशन हो रहा है, अगर एल्डिहाइड ग्रुप में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा तो क्या फॉर्मेशन होगा, ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और अगर यहाँ पर हो रहा है तब ग्लूकोरोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो इसको हम थोड़ा एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हम पहले एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं।
ये हो गया हमारे पास डी ग्लूकोज। तो जब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम कौन सा एजेंट यूज कर रहे हैं? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाएंगे, तब इसका जो एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, ये जो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है यहाँ पर, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप की जगह पर एसिड ग्रुप जुड़ जाएगा। बाकी जो ऐसा आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है एज इट इज, यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे। तो ये जो फॉर्मेशन हुआ, ये आपका क्या बना, ग्लूकोनिक एसिड। जैसा हमने पहले ही देखा था कि ये क्या बन रहा है, ग्लूकोनिक एसिड। अगर हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के प्रेजेंस में जो रिएक्शन है वो कहाँ पर होगा, टर्मिनल अल्कोहल ग्रुप में प्रेजेंट होगा। तो जो हमारा सबसे नीचे में है, आप देख रहे हैं कि सबसे नीचे में यहाँ पर क्या है, अल्कोहल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। ये अल्कोहल ग्रुप अब एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लूक्यूरोनिक एसिड। बाकी एज इट इज, जैसा आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वैसा का वैसा यहाँ पर हम बना देंगे। तो ये क्या बन गया, ग्लूक्यूरोनिक एसिड। तो इस तरीके से जब ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का, तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के प्रेजेंट में ग्लूकोनिक एसिड बनता है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के प्रेजेंट में ग्लूकोरोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शंस देखते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। सेकेंड जो रिएक्शन है वो कौन सा है, रिडक्शन। रिडक्शन रिएक्शन का मतलब क्या है, रिएक्शन विथ अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो जब हम इसको किसी रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ हम जब इसको ट्रीट करते हैं, तब क्या बनता है, करेस्पॉन्डिंग अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। जैसे इसको अगर हम देखें, तो अगर सपोज करो ये क्या है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। ये आर जो है ये बहुत सारे अल्कली ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, तो आप इसके आगे जैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वैसा तैयार कर सकते हैं। तो अगर हम इस ग्रुप का जो रिडक्शन रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंस में, तब क्या फॉर्मेशन होगा, एक अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर एक एच ग्रुप जुड़ जाएगा, यहाँ पर एच है, यहाँ पर ये आर रहेगा, और जो डबल बॉन्ड ओ था वो हट जाएगा और यहाँ पर ओ एच आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। तो अब हम यहाँ पर एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया डी ग्लूकोज। जब इसका डी ग्लूकोज से रिएक्शन करवाएंगे, तब जो ये CHO था, मतलब ये जो एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट था, ये एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा एक अल्कोहल ग्रुप में, और बाकी का हिस्सा जो रहेगा एज इट इज हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे।
तो यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन हुआ इसे हम क्या कहेंगे, डी सॉर्बिटॉल। तो जब रिडक्शन होता है किसी मोनोसेक्राइड का तो हमको क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। तो सॉर्बिटॉल जो है वो क्या है, डी ग्लूकोज का ही रिडक्शन से बना हुआ मॉलिक्यूल है। अब आगे हम देखते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल आफ्टर ट्रीटिंग विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जब हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से ट्रीट करते हैं तब क्या हो रहा है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं शुगर के ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में, वो सारे के सारे वाटर के फॉर्म में निकल जाएंगे। तीन मॉलिक्यूल जो है वाटर वो रिमूव हो जाएगा। स्ट्रक्चर देखते हैं पहले ग्लूकोज का। तो यहाँ से तीन मॉलिक्यूल वाटर रिमूव हो रहा है। तो तीन मॉलिक्यूल वाटर रिमूव होने के लिए जो हाइड्रोजन आयन है वो कहाँ से आ रहे हैं, पहला ये एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन आ रहा है, ये एक हाइड्रोजन यहाँ से आ रहा है, ये ऑक्सीजन यहाँ से आ रहा है, और इसके बाद फिर ये पूरा ग्रुप। तो इस तरीके से तीन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और छह हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे वाटर का मॉलिक्यूल बनाकर डी ग्लूकोज से। तो जो नया कंपाउंड बनेगा आप जस्ट यहाँ पे देखते जाइए इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। CHO एज इट इज रहेगा क्योंकि यहाँ से किसी चीज़ का रिमूवल नहीं होगा है। अब यहाँ पर देखेंगे आप इस कार्बन मॉलिक्यूल से इधर का भी हाइड्रोजन निकल गया है, इधर का भी हाइड्रोजन निकल गया है। तो यहाँ पर सिर्फ कार्बन का मॉलिक्यूल है जिससे कि एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड है। और यहाँ से भी आप देखेंगे तो एक तरफ का ये हाइड्रोजन निकल गया है, एक तरफ का हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया, अगेन सेम इसी तरीके का है, और फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा सी। इस मॉलिक्यूल को आप देखिए, फिर यहाँ पर CH2OH, और ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, डाई हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल। इसको हम कहेंगे हाइड्रोक्सी, सॉरी डाई हाइड्रोक्सी नहीं, हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल। तो जैसा आप यहाँ पर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर में से हाइड्रोजन को हटाएंगे उसी तरीके का यहाँ पे बॉन्ड, उसी तरीके से यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और आप इसको लिखते जाएंगे। तो ये हो गया डी ग्लूकोज से हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल का फॉर्मेशन। इसके बाद हमारा अगला जो रिएक्शन है वो है ओसाजोन फॉर्मेशन। ओसाजोन फॉर्मेशन जो रिएक्शन है जनरली ये जो पहले दो कार्बन हैं उनमें ही होता है। तो यहाँ पर फिनाइल हाइड्राजिन से हम रिएक्शन करवाएंगे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का, और इससे जो होगा ओसाजोन का फॉर्मेशन होगा। तो आइए हम इस रिएक्शंस को स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं।
तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारा जो पहला रिएक्शन हुआ था जिसमें फिनाइल हाइड्राजिन के साथ डी ग्लूकोज, ये जो डी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ये रिएक्ट किया था। यहाँ पर जनरली तीन मॉलिक्यूल या तीन मोल जो है फिनाइल हाइड्राजिन के खर्च होंगे। तो ये पहला रिएक्शन जो था ये पहले नंबर का जो कार्बन है, जो एल्डिहाइड ग्रुप में यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पर ये रिएक्शन हुआ था। और जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो वहाँ से हट गया था और फिनाइल हाइड्राजिन का मॉलिक्यूल यहाँ पर जुड़ गया। तो तीन मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल जो हाइड्राजिन है, फिनाइल हाइड्राजिन है, वो फर्स्ट नंबर के कार्बन से अटैच हो गया। अब सेम रिएक्शन फिर से चलेगा और यहाँ पर अगेन फिनाइल हाइड्राजिन का एक मॉलिक्यूल, जो यहाँ का मॉलिक्यूल है, वो फिर से इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। फिर से ये फिनाइल हाइड्राजिन का मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल थे, एक मॉलिक्यूल आ गया, अब दूसरा मॉलिक्यूल। तो जो ओसाजून का फॉर्मेशन है उसमें पहले और दूसरे नंबर के ही कार्बन इन्वॉल्व हैं। तो पहले नंबर का कार्बन यहाँ पर फिनाइल हाइड्राजिन जुड़ चुका है, अब हमारा जो टारगेट है वो सेकेंड नंबर का कार्बन है। तब यहाँ पर कैसा रिएक्शन होगा? एज इट इज बाकी को उतार देंगे हम। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन हुआ, ये जो आप पहला देख रहे हैं ये क्या है, ग्लूको हाइड्राजोन, ग्लूको हाइड्राजोन है। और ये जो बना ये फाइनल प्रोडक्ट बना ग्लूकोसा जोन का। तो इस तरीके से ग्लूकोसा जोन का फॉर्मेशन होता है। फिनाइल हाइड्राजिन का तीन मॉलिक्यूल लगता है और यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड नंबर के कार्बन एटम में फिनाइल हाइड्राजिन का मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है। तो जनरली आप देख सकते हैं कि पहले रिएक्शन में एल्डिहाइड ग्रुप था तो यहाँ पर से ये रिएक्शन दिया, लेकिन दूसरा जब रिएक्शन हुआ तब यहाँ पर एल्कोहल ग्रुप है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कन्फर्मेशन जरूर चेंज हुआ, तब जाकर ये सेम रिएक्शन यहाँ पर आया और एल्कोहल ग्रुप का भी, जो एल्कोहल ग्रुप है वो भी रिमूव होकर यहाँ पर हाइड्राजिन का ग्रुप अटैच हुआ। तो इस तरीके से ग्लूकोसा जोन का फॉर्मेशन हुआ। जो ग्लूकोसा जोन है ये आइडेंटिकल होते हैं ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में और मैनोज में। तो ऐसा क्या है कि ये आइडेंटिकल हैं, जबकि जो यहाँ पर रिएक्शंस अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी ये एक जैसा क्रिस्टल्स इसके बनते हैं, ओसाजोन के क्रिस्टल्स बनते हैं। अगर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये फ्रक्टोज मॉलिक्यूल है इसकी वजह से बना है ये ओसाजोन, या ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की वजह से बना है, या फिर मैनोज की वजह से बना है, तो इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ा रीज़न है कि जो ओसाजोन फॉर्मेशन हो रहा है मोनोसेक्राइड में, वो चाहे वो फ्रक्टोज हो, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो मैनोज हो, तीनों में सिमिलर जो ग्लूकोसा जो ओसाजोन है वो फॉर्म होता है, उसके क्रिस्टल बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। तो इस मेथड के थ्रू हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं या आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि जो हमारे पास पाउडर है वो ग्लूकोज है या मैनोज है या फिर फ्रक्टोज है। तो आइए इसको हम समझते हैं कि ये कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर एक हमारे पास रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं टॉटोआइसोमेरिज्म। इसको हम और क्या कहते हैं, टॉटोमेराइजेशन या फिर एनोलाइजेशन। टॉटोआइसोमेरिज्म, टॉटोमेराइजेशन या फिर एनोलाइजेशन भी इसको कहा जाता है। तो जनरली यहाँ पर क्या हो रहा है, शिफ्टिंग अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन कार्बन एटम टू अनदर कार्बन एटम। अनदर कार्बन एटम में हो रहा है और जो प्रोड्यूस होगा वो क्या प्रोड्यूस होगा, एनडाइओल। और कब होगा, जब ये किसी एल्कली सॉल्यूशन में हो, मतलब इसके लिए जरूरी है एल्कलाइन मीडिया।
तो ये रिएक्शन जनरली अल्कलाइन मीडिया में ही आता है। तो जब हम बहुत सारे रिएक्शंस करते हैं जिसमें अल्कलाइन मीडिया है, तो हमको टाटोआइसोमेरिज्म या टाटोमेराइजेशन हमको देखने को मिलता है। तो आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो इस तरीके से टोटो आइसोमेरिज्म है, जहाँ पे हाइड्रोजन, आप यहाँ पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखिए, फिर यहाँ पे डी फ्रक्टोज देखिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हाइड्रोक्सिल जो अल्कोहल ग्रुप है, इसमें से एक हाइड्रोजन हट रहा है और यहाँ पर कीटोन ग्रुप जुड़ रहा है। तो इस तरीके से ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, डी फ्रक्टोज में। तो अल्कलाइन मीडिया में ये रिएक्शन अपने आप होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो एटम है वो शिफ्ट होते रहते हैं एक कार्बन से दूसरे कार्बन में। इसी तरीके से यहाँ पर जो चेंज हो जा रहा है, और ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, मैनोज में चेंज हो जा रहा है, डी मैनोज में। तो जब इस तरीके का कोई अल्कलाइन मीडिया आता है, तब ये चाहे मैनोज हो, ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अपनी एन डाइओल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एन डाइओल फॉर्म बनाते हैं, इसी वजह से ये इंटर कन्वर्जन होता रहता है कि ग्लूकोज ग्लूकोज के साथ वो फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है और डी मैनोज में कन्वर्ट हो जाता है, और वो उस पर्टिकुलर मीडिया में एक इक्विलिब्रियम स्टेज में रहते हैं। तो इस तरीके का जो रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन को हम जानते हैं तो ये रिएक्शन कहलाता है लॉबरी डी ब्रुइन वॉन इकेनस्टाइन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसकी वजह से ही जो इसके ओसाजोन्स बनते हैं वो एक जैसे होते हैं, क्योंकि इनमें प्रॉपर्टी होती है एनेडायोल फॉर्म करने की, और ये एनेडायोल एल्कलाइन मीडियम में एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।